एक ना बैड न्यूज़ बहुत बुरी खबर जो है ना वो मिली है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो अभी ना शाम का टाइम है, लहसुन को छील के रख रही हैं और ये देखिए प्याज भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर वीडियो भी इनकी सेव हो रही है साथ साथ। वीडियो जो बड़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? क्या बना रहा है आज? गवार जो तो पता ही गवार मुझे पता है। कौन तरफ से दे रहा है? ऐसी बात भी नहीं है, मैं बाहर थी अभी। काल दा शुरू किते से पढ़ना आज ही पटे। दो दिन लगाए हैं। अच्छा गवार जो है ना अच्छा से उबाल उबालते हैं फिर बनाते हैं। हां आज मैं बनाऊंगी ना गवार, मुझे बहुत पसंद है। वालेकुम अस्सलाम। हां चलो बनाओ। कल हम तू बनाया था। मैंने बनाती क्या पहले? हाँ जी, तो आज मिस्त्री नहीं आए, कल इंशाल्लाह आएंगे फिर। कल जो है ना हमारा काम ये है, मैं आपको बताऊँ इसकी उतर गई है, देखो सीमेंट उतर गई है इस दीवार की, तो इसको सेट कराना है। बारिश आई है ना, इसकी वजह से हमने पहले ताज़ा सीमेंट की हुई थी, फिर बारिश आई है काफ़ी, तो इस वजह से ना ये देखें ये साइड जी सारी ख़राब हो गई है। तो वो जो पेंट वाले हैं ना वो कहते हैं कि पहले इनकी दीवार सेट करो फिर इसके ऊपर ना पेंट करेंगे। भाई ना घास काट रहे हैं अभी, ये घास दूसरा आ गया। कारी का घास है ये, वो बनाया गया। इसके अलावा ये दीवार के पीछे जो ना इसको प्लास्टर करना है, फिर इसके बाद इसको पेंट करना है। पर देखो वो दो कबूतर बैठे हुए हैं। तो अभी ना खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए गवार तोड़ के लाई है, तो वो ही आज बना रहे हैं। ये देखिए गवार जो ना वो उबल रहा है, और मैं ना ये धो के ले आई हूँ अच्छी तरह से, टमाटर और प्याज वगैरह तो इनको काटते हैं और लहसुन भी पीस लेते हैं जल्दी जल्दी और खाना बनाते हैं। देर हो रही है, शाम हो रही है, खाना जल्दी जल्दी बना रहे हैं। आ गया मतलब मेरे रहा है मन कौन पर क्या गया पिनोड़ा गोल गोल, अभी गला नहीं है। समझ तो नहीं आ रही, उर्दू में बताओ। बिल्ली का बच्चा एक हसीब को देना है, उर्दू में बात नहीं कर सकती आप। क्यों उसे दोगी? दोगी एक नहीं, उसके पास एक मन है ना बिल्ली छोटी सी, वो अकेली है, बड़ी है। वो तो बड़ी है ना जी, तो छोटा है। नहीं ये पालते हैं उसे, फीडर से दूध भी पिलाते हैं। आपने पालना है एक बिल्ली ऐसे? हाँ, मैंने पालना है। आप स्कूल जाओगी कौन ख्याल रखेगा? मैं खुद रखूंगी। हाँ ये थोड़ी तंग होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैंने दूसरी आपको निकाल के दी, वो पहन लेते हैं जो स्कूल बाजू वाली है, ये भी सही है। चलो क्यों इनके पास बड़ी साली है? बड़ी साली है, आपने नहीं देनी? एक कहते मुझे मिल, कहते मेरी है, अमन कहते दोनों इतना ख्याल रखते हैं उसका बहुत ज्यादा। अच्छा चलो तो अभी जी हम खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो है ना वो क्या कहते हैं गल चुका है। गवार खाना बना लो, उसके बाद कुछ जरूरी बातें हैं वो भी आपसे शेयर करनी है, तो आपने वीडियो को देखना है मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उठा के दो चल गया मेरा। ये देखें जी इस तरह से ना इसका पानी निकाल के ना, पहले हम इसको उबालते हैं, उबाल के इसका पानी निकाल के उसके बाद फिर जो है ना हम इसको तड़का लगाएंगे। सुबह को भी फिर खाएंगे ना हम, सुबह भी खाते हैं फिर। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी पसंद की सब्जी है गवार। चलें जी अभी इसको मैंने निकाल दिया है, अभी इसको थोड़ा सा ना पानी डाल के ना इसको उबाल लो, तो पानी लाओ इसको दो ना। हाँ तो उधर रखी, बाहर उधर रखी, कुछ नहीं होता। पानी तो लगे उसमें, पानी डालो और तो धो दो, धोना भी हो पानी बहाया था।
अच्छा नहीं बनाया है आपने, मुझे वो क्या कहते हैं इसको बॉयल करके मुझे दिया था, फिर मैंने तड़का लगाया है तो ये मुझे पता है वैसे बनाते हैं ऐसे, लेकिन फिर असल में मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। आपने देखना है अभी मैं कैसे बनाती हूँ, अभी घी डालेंगे इसमें। अच्छा ये इसको ना धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे भी साग की तरह होता है, जैसे हम साग देखी होती है। अभी कितना डालूँ, बस काफी है? वाह पानी भर के दो, मीठा पानी भर देना। टमाटर काट लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर तो प्याज डाल दो इसमें। हाँ ना मिसाले साथ के साथ थोड़े साथ डाल दो। ये देखा होगा ना वाल प्याज का ना करते हैं, वाल साग भी डाल दो यार, ये साग बढ़िया है। मंदना रहा मंदना 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 मार दो रही है गरम है ना, ये कैसे डाल। मैंने मिर्ची भी डाल दी है तो अभी लहसुन भी डाल देते हैं इसमें, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब इसके अलावा इसमें खुश्क मसाला डालेंगे। ये देखिए अम्मी ने कैसे बना के रखा है, दो तीन पेड़े बना दिए हैं अच्छी तरह से। अब ये डालूंगी, वैसे हम ना इसको मतलब बॉयल करके ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, तीन चार दिन के लिए सही पड़ा रहता, ख़राब नहीं होता ये, लेकिन हम लोग ताज़ा बना लेते हैं। इसमें ना टमाटर हरी मिर्च और लहसुन वगैरह प्याज थोड़े से डाले इसमें मैंने, तो ये अभी फ्री हो गए तो अभी इसमें ना सारे जितने भी खुश्क मसाले होते हैं ना, एक और डब्बा भी है हाँ वो डालूंगी, सारे खुश्क मसाले इसमें है ना वो डालूंगी। ये डाल के फिर चलें शुरू करते हैं, सारे डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है ना अच्छी तरह तैयार हो गया है, तो अभी ना इसमें ना हमें प्याज डालो, ये तरह डालूँ आप क्या डालो, प्याज डालो प्याज। चलो तो प्याज इतने ज्यादा काटनी है टमाटर का नहीं, हाँ डाल दी सब्जी डाल दिया। हाँ ये देखें हमारे प्याज जो है ना वो गल गए हैं, पहले प्याज गले हैं तो फिर हम ये डालेंगे, ये देखें ये गवार डालेंगे, मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी वैसे इसको तड़का लगाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, इसके बाद फिर हमारा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुछ एक ज़रूरी बातें मैंने आप सबसे शेयर करनी है, वो ये कि इधर हमारे शहर में ना एक वाक़या हुआ है, वो एक ना कत्ल हुआ है एक बंदे का ना, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी है ना आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने किसी को भी तस्वीर नहीं दिखाई क्योंकि बच्चे किसी को भी नहीं दिखाई, बच्चे डर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत है मेरे अंदर के मुझे अफसोस तो हुआ है, लेकिन ये नहीं कि बस कि मैं डर जाऊँ या कुछ ऐसा, क्योंकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़े से अल्लाह पाक जो ना बचाए सबको। बस वो कुछ इज्जत का मामला था, और दूसरा ये कि जो कत्ल हुआ है ना तो उसको कत्ल इस तरह से किया गया है कि बहुत ही, जैसे एक बंदा कत्ल होता है ना वो तो चलो कत्ल कर देता है, लेकिन इसको बहुत ही बुरी तरह से कत्ल किया है। तो उनकी मौत हो गई है, और रात को तकरीबन 3-4 बंदे थे और उनका कत्ल किया है, और उनकी ना आंखें निकाल दी हैं, जबान काट दी, नाक काट दी, और गला काट के एक तरफ फेंक दिया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हाँ तो वो अंदर भी चले गए, उनको पुलिस ले गई है जिन्होंने किया है, तो वो उनका अब उसका भी कसूर है जो कत्ल हुआ है, क्योंकि वो काला जादू वगैरह इन चीज़ों में पड़ा हुआ था, ये काम करता था। मुझे तो इन जो काला जादू करती हैं और ये तवीज़ वगैरह देते, मुझे इनके ऊपर बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये धोखेबाज होते हैं ठीक है ना, ये सिर्फ किसी की इज्जत खराब करनी हो कुछ ऐसा करना हो ना तो फिर ये ऐसे ही ना तो बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं कि हम लोग काला जादू करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। है कि जो कत्ल हुआ है ना उसका ये कसूर था कि वो उसका कसूर बहुत बड़ा था ठीक है ना, एक तो इज्जत का कोई मसला था उनका, और दूसरा ये कि वो काला जादू करता था,
तो इसलिए कहते हैं कि हमारे इधर ना काला जादू को ना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। काला जादू जो करते हैं उसकी बख्शिश कभी है भी नहीं। जादू टोने पता नहीं क्या वजह बनी है तो जिसकी वजह से ना हाथ जना कत्ल तक पहुंच गई है, और कत्ल भी इतना मतलब खौफनाक तरीके से किया है ना, देखने वाले भी हैरान रह गए हैं। सब हमारे शहर में ना ये बातें फैल गई हैं कि इतनी बुरी तरह से कत्ल जो ना किसी का भी नहीं हुआ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये वक्त ना आए। अल्लाह पाक जो ना ऐसी मौकों से और ऐसी मुसीबतों से अल्लाह पाक बचाए कि इंसान को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से बंदे को इतनी जो है ना बुरी तरह से मौत आए। अल्लाह पाक रहम करे। बस हम इतना कहेंगे कि कसूर एक का नहीं है, उन दोनों का कसूर है। वो ना ये काम करता और ना इतनी बुरी तरह से उसका कत्ल होता। दूसरा ये कि उनका भी कसूर है कि वो इन कामों में न पड़ते, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो काले जादू करवाते और ये काम करते। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी होती है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से तवक्को रखनी चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है। ये काले जादू ये सब कुछ करना दोनों तरफ से गुनाह है, दोनों गुनाहगार है। एक बंदा नहीं है, उसका गुनाह है तो उसका भी गुनाह है, ना वो जाता ना ये काम होता। अब क्या हो गया है, वो अंदर चले गए जेल में, उनको उम्र कैद की सजा शायद मिल जाए, और बाकी जो है ना वो उसकी तो मौत होगी, उसके घर वाले उनका क्या हालत होगी। उनकी एज ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, अबू की एज का था ऐसा ना, 60 साल की एज थी। अबू से भी बड़े थे, अबू की तो 60 साल की नहीं है ऐसे ना, अबू की 55 साल तकरीबन होगी अबू की एज ना, और उनकी तो 60 साल एज थी। अबू मेरे से भी बड़े थे, तो आप इस उम्र में आके आपको क्या पड़ी थी कि आप ये काम करो। खैर अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सबने भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से जो है ना हमको दूर रखे, और जो चले गए हैं ना अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश करे। और हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर में हर जगह ये बात फैली हुई है। अब रात को कोई बाहर जाए ना तो सब कहते हैं कि ख्याल रखना। अब सबके लिए तो ऐसा नहीं होता ना, किसी की दुश्मनी होती है तो कोई ये काम ऐसा करता ना, इस तरह के बड़े बड़े काम कोई ऐसे नहीं कर सकता। सरेआम किसी को मार देना, वो इतना बेरहमी तरीके से, अल्लाह ना करे। हाँ, घर वालों को भी नहीं दिखाया, इतना कसम से दुख हुआ है ना। मैंने तस्वीर जब देखी है ना, संदूक में डाल के ना उसको लेकर गए, मुंह भी नहीं देख सके घर वाले, क्योंकि उसका गला काटा हुआ था ना। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह पाक हमें माफ कर। बस ऐसी चीजों से अल्लाह पाक हमें दूर रखे। अल्लाह पाक इन लोगों को भी हिदायत दे जो इस तरह के काम करते हैं उल्टे सीधे, और लोगों के घर बर्बाद करते हैं, और लोगों को इस तरह की मतलब चीज़ें करने पर मजबूर करते हैं कि इस तरह से इनको मौत दे। खैर उनका भी हक नहीं बनता था कि वो अल्लाह ताला से मुकाबला करें, और ये तो अल्लाह ताला से मुकाबला करने वाली बात है ना कि आप अपना सारा मामला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देते या फिर उसको पुलिस के हवाले करते, ऐसे मारते ना इतनी बेरहमी से। ये भी उनका कसूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोनों का कसूर है, एक का कसूर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है ये बात सुन के, आप यकीन नहीं करेंगे। जब से मैंने तस्वीर देखी है ना, मुझे होश नहीं है कसम से। इतना अबू और मैंने तस्वीर देखी है, अम्मी ने भी तस्वीर नहीं देखी। अबू और मैं, अबू ने ना मुझे दिखाई ये तस्वीर, मैंने अबू से कहा है घर में किसी को भी ना दिखाना, बच्चों को किसी को ना दिखाना। तो बच्चों को सिर्फ पता है कि ये वाकया हुआ है, लेकिन इन्होंने तस्वीर नहीं देखी। तस्वीर सिर्फ मैंने देखी, अबू ने देखी है। अबू ने कहा है कि देखो अल्लाह माफ़ी करे कितना बुरी तरह से, क्योंकि वो नेट पर हर जगह ना भेज दिया उसकी तस्वीर, तो पोस्टमार्टम के लिए इसको लेकर गए हैं, तो वहाँ पे फिर वापस लेकर आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। एरिया के थे ऐसे समझ लें, हमारे हमसाए ही थे, इतने दूर के नहीं है, करीब के ऐसे ना, हमारे गांव के हैं। हाँ जी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब दुआ करना कि अल्लाह पाक जो है सब मुसलमानों को इन चीज़ों से दूर रखे। बस ये बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। बस ये थी, जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ अच्छा, जो बुरा करता है हमेशा उसके साथ। हाँ, मैं इतना कहूंगी बुराई का अंजाम जना वो बुरा ही होता है। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो ना, तो आप दिल में कभी ये बात ना सोचना कि आपके साथ अच्छा होगा, बुरा ही होगा हमेशा। तो ये आप कहते हैं ना कि देखो अब सामने हर चीज आ रही है ना, किसी के साथ कोई बुरा करता है तो बुरा, अगर किसी के साथ कोई अच्छाई करता है ना अल्लाह पाक की जात उसको अच्छाई का सिला जरूर मिलता है। शायद उसके नसीब में यही लिखा था, इस तरह की मौत उसके नसीब में लिखी हुई थी जो कि उसको मिली है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे, बस अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचाए बस। तो मैं, मुझे तो कोई होश नहीं है। मैंने जब तस्वीर देखी ना, मैं अपने दोस्त की मेरी कॉल आई थी जले वाली, वो भी कह रही थी कि हमने तस्वीर देखी है, तो वो भी कह रही थी कि हमें तो पूरी रात नींद भी नहीं आई। तो ऐसी बात, इस तरह की जब चीज़ें बंदा देखता है तो होश उड़ जाते हैं बंदे के ना। मैंने खाना वगैरह बना दिया है, तो अभी मम्मी जो है ना वो रोटा लगा रही हैं। तो आज का व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।